मेन समस्याओं की बात करें, इसको हम थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, थोड़ा और इसको डिस्कस करेंगे। जो शहरी इलाके हैं ना, उनमें वायु प्रदूषण बहुत है। आपको जानकर के दुख होगा कि दुनिया के 100 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में कई बार, खासतौर से जब विंटर सीजन आता है भारत में, तो उसमें लगभग लगभग सारे शहर हमारे ही होते हैं। ठीक है, लगभग आप समझ के मान कर चलिए कि 80-90% सिटीज तो इंडियन सिटीज आ जाती हैं जो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं। और उसमें भी आपको यह सब जानकर भी थोड़ा दुख हो सकता है कि जो भी हमारे देश जो टॉप 100 पॉपुलेटेड सिटीज हैं, मतलब भारत के ऐसे 100 शहर जिसमें काफी ज्यादा जनसंख्या रहती है, या जो सबसे जनसंख्या के दृष्टिकोण से 100 सबसे बड़े शहर हैं, वो सारे के सारे शहर, एक भी शहर उनमें से ऐसा नहीं है जो यूनाइटेड नेशंस की अलग अलग वो रहती हैं समितियां, उसमें वायु प्रदूषण का जो स्तर है, जिसको बोला था ये ठीक है, उससे ज्यादा रहता है उन सारे के सारे शहरों में। तो इतनी हालत खराब है हमारे यहाँ पर। ठीक है, और शहर में होने में जो वाहन है उनका बहुत ज्यादा योगदान रहता है। अभी मैं उदयपुर में थोड़ा बाहर रहता हूँ, ऑफिस हमारा कलेक्ट्रेट में सरकार की तरफ से मिला हुआ है। अब हम लोग जब बाहर रहते हैं तो बाहर से शहर के ऊपर हमें पूरा इस टाइम पर धुंध की चादर दिखाई पड़ती है, और आज तारीख क्या है, 8 नवंबर चल रहा है। तो ऐसे में सर्दी स्टार्ट हुई है, और उदयपुर जैसा शहर जो काफी छोटा है, आसपास बहुत ग्रीनरी है, अरावली की पहाड़ियां है, वहां पर भी ऐसा दिखता है, और दिल्ली जैसी जगह तो रहने लायक ही नहीं रह जाती इस समय पर। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। कुछ अन्य क्षेत्रों में उद्योगों के भारी जमाव और थर्मल पावर संयंत्रों के कारण भी वायु प्रदूषण होता है। थर्मल पावर में क्या होता है, मेनली हम लोग बिजली बना रहे होते हैं, और थर्मल पावर में थर्मल मतलब होता है एक तरह से समझ लीजिए ऊष्मा का प्रयोग करके स्टीम बनाते हैं, भाप बनाते हैं, और भाप बनाते कैसे, आमतौर पर कोयले से बनाते हैं। तो कोयले से जो बन रही होती है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत ज्यादा हो रहा होता है, और राख निकलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लाई ऐश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लाई ऐश, और वो राख काफी परेशान करती है। तो इसको भी अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है ईंटें बना करके। तो फ्लाई ऐश की अगर हम ईंटें बनाने स्टार्ट करते हैं तो वो भी काफी ठीक हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। वायु प्रदूषण में मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि लगभग 7 साल की औसत उम्र कम हो जाती है अगर कोई जीवन भर दिल्ली NCR में रह रहा है। NCR मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली है, गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, नजफगढ़ है, ये सारे एरियाज में रहकर के इतना ज्यादा प्रदूषित रहता है। फिर क्या हुआ, मोटर वाहनों की संख्या 1951 में 3 लाख से बढ़कर 2016 में 23 करोड़ हो गई है। समझ रहे हैं कितना था, 3 लाख था, यानी कि 3 था, वहां से बढ़कर के 23 करोड़, यानी कि 2300 हो गई। तो कोई चीज 3 थी, वहां से बढ़कर के 23 हो गई, इतनी बड़ी जंप आई है। और क्या हुआ है, 2016 में व्यक्तिगत परिवहन यानी कि खुद की कार होना, ठीक है, केवल 2 पहिया वाहन और कार संख्या कुल पंजीकृत वाहनों का 85% थी, यानी कि लोग खुद से ही चलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पास ही है। टोटल वाहन 100 हैं, उनमें जो 85 हैं, कितना 85, वो व्यक्तिगत परिवहन वाहन है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि देखो, जब कोई बस चल रही होती है तो दिल्ली मेट्रो है, तो दिल्ली मेट्रो मालूम अभी आपको कुछ लोगों को नहीं पता होगा, हर दिन 60 लाख लोगों को इधर से उधर ले जाना स्टार्ट करें। तो सोचिए अगर 60 लाख लोग अपनी अपनी कार से लेकर के निकले तो दिल्ली एक ही दिन में खत्म हो जाए, मतलब खत्म नहीं होगी बट स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जाम ही लगा रहेगा हमेशा, फिर और पोल्यूशन होगा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे से बहुत सारे लोगों को इधर से उधर शिफ्ट कर सकता है, और इससे भी ज्यादा आप समझिए लगभग 80 लाख लोगों को जो आपका मुंबई में लोकल्स हैं, वो भी क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो बहुत सारे लोगों को इधर से उधर ले आ सकता है। सारे लोग अगर अपना वाहन प्रयोग करने लग जाएंगे तो समस्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इस दृष्टिकोण से ये जो ट्रेंड है वो बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं है, और आपको जो जनसंख्या उस हिसाब से हमारी स्थिति अभी भी उतनी खराब नहीं है कि इतनी बड़ी जनसंख्या के पास कितने वाहन है। अमेरिका जैसी कंट्रीज ने तो बहुत हालत खराब कर रखी है, सारे बच्चे 16 साल से 18 साल से बड़े बच्चे होते हैं वो भी कार लेकर के घूम रहे होते हैं। तो हर काम के लिए वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उतना अच्छा सिस्टम है ही नहीं। तो हमें यहाँ पर भी आवश्यकता है, क्योंकि पूरे दुनिया का एक कलेक्टिव रिसोर्स है पर्यावरण की जब लोग बात करते हैं, तो ये समस्या हो गई है। ठीक है, अब देखिए ये जो चार्ट है ना, ये क्या दिखा रहा है समझिए, चाइना पूरे दुनिया का 28.4% कार्बन उत्सर्जन कर रहा है CO2 का। ठीक, तो पूरे दुनिया में चाइना समझ लीजिए कि एक तिहाई के आसपास, लगभग लगभग एक चौथाई और तिहाई के बीच में इतना प्रदूषण तो अकेले कर रहा है, और भारत कहां पर है, 3% पर। हम इतना कम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना हमारा बहुत कम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण बहुत कम है। ठीक, 10वें स्थान पर हमें औद्योगिकरण में, हालांकि GDP वगैरह का आप देखोगे तो हमारे देश काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी अमेरिका और चाइना इनकी तुलना में हमने बहुत ही ज्यादा पीछे हैं, वो भी तब जब हमारे देश की जनसंख्या दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या और चाइना के लगभग लगभग बराबर हो गई है। 3-4 साल में चाइना को पीछे छोड़ देंगे, 2025-2026 तक 5-6 साल में तो छोड़ ही देंगे जनसंख्या के टर्म्स में। तो ऐसी स्थिति में समझिए कि उसके बाद भी हम तो बहुत पीछे हैं, तो हमने उस तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया पूरी दुनिया में पर्यावरण को लेकर के, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस सबको भुगतने पड़ेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि हमने नहीं पहुंचाया तो कोई बहुत अच्छी चीज है तो हमें करना चाहिए आगे, ऐसा नहीं है।
ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। लेकिन आप समझिए कि अभी तक जितनी चीजें खराब हुई उसमें पर्यावरण के दृष्टिकोण से हम लोगों ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया हमारे देश ने, ठीक। अच्छा, अब इससे होता क्या है, अनचाहे और अप्रत्याशित परिणाम होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस सारे लोगों के लिए हो जाते हैं। अब अनियोजित शहरीकरण भी भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है, प्रदूषण दुर्घटनाओं का जोखिम जुड़ा हुआ रहता है आपस में। क्या हो रहा होता है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो होता जा रहा है, लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं और शहरों में पहले से प्लान चीजें हो ही नहीं है। मुंबई में हर साल बारिश होती है, सबको पता है हमेशा ही ज्यादा बारिश होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं शहर में, कोई भी जो जमीन होती है वो नेचुरली ऐसी नहीं रहती कि एकदम समतल हो, ठीक है, कोई छोटी होती कोई नीचे जाती है। अब अगर मान लीजिए ऐसी जमीन है तो आपको पता है बारिश होगी तो यहाँ तो पानी भरेगा ही भरेगा, लेकिन आपको यह भी पता है कि मुंबई जैसे शहर में जमीन बहुत महंगी है, तो कई लोगों ने लालच में क्या किया, ऐसी जगह जो पहले से ही पता है वहां पर भी बिल्डिंग्स बना दी, ठीक है, और सबकी मिलीभगत रहती सरकार की बाकी लोगों की भी। अब क्या हो जाता है, जो लोग यहां पर रह रहे हैं उनको हर साल बाढ़ का सामना करना ही पड़ता है, ठीक। तो क्या होता है, ये सारी चीज क्यों हो रही होती है, क्योंकि आपके पास एकदम से औद्योगिकरण हो रहा है, आपके पास प्रेशर है, आप पहले से प्लान नहीं कर रहे हो, फिर लोगों के लालच भी इन्वॉल्व है, भ्रष्टाचार भी इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके वजह से हो क्या जाता है कि आप वही सारी चीजों की निकासी अच्छे से कर सकते थे। अगर यहाँ पे पानी भरने की व्यवस्था होती तो बाकी जगह कभी पानी आप यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते थे और यहाँ पे कुछ नहीं बनाया होता, अब उल्टा कर दिया आपने लालच में। तो इस तरह से क्या हो रहा होता है, जब आप अनियोजित शहरीकरण की बात कर रहे होते हो तो वो हो जाता है, साथ में जोखिम बढ़ जाता है, किस तरह का, बाढ़ होगी भाई तो किसी की डेथ भी तो हो सकती है, है ना, और बाकी जान माल का नुकसान तो होता ही है, संपत्ति का नुकसान होता ही है, और ऐसे ही ट्रैफिक की भी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है जिससे प्रदूषण बहुत हो जाता है, जाम भी लग रहा होता है, लोग साइकोलॉजिकल लेवल पर परेशान हो जाते हैं, तो इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। फिर ये आता है आपका प्रकृति रक्षति रक्षता, अगर आप प्रकृति की रक्षा करोगे तो प्रकृति आपकी रक्षा करेगी, है ना, ठीक है, नेचर प्रोटेक्ट्स इफ शी इज प्रोटेक्टेड, अगर आप प्रकृति की रक्षा करते हो। और इसमें क्या है, जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय है, फिर हमारे जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं बहुत सारे, इनकी मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है आपको वो पता होगा, उनके द्वारा बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं, वो तब तक कारगर नहीं होंगे जब तक कि हम लोग विकास आगे का कैसा हो उसके बारे में सोचना स्टार्ट ना करें। कैसा हो, सतत विकास होना चाहिए। ये लोग जो काम करते हैं, चीजें बिगड़ गई हैं, प्रदूषण का नियंत्रण कर रहे हैं, नाम ही देखो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, प्रदूषण हो चुका है, अगर हम विकास ही ऐसा करें कि हम प्रदूषण करें ही ना तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो इनका जो काम है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस अप्रोच में यह है कि हाँ प्रदूषण होता रहेगा और हम लोग उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, ठीक, हम जमीन को पहले बर्बाद कर देंगे फिर हम उसमें नाइट्रोजन के लिए यूरिया डालेंगे, ठीक है, उससे पहले ही अगर हम खेती ही ठीक से करने लगे हैं, हम अपनी इंडस्ट्रीज को ही ठीक करना स्टार्ट कर दें, हम इस तरह की चीजों को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें जहां से प्रदूषण हो ही ना और साथ में प्रकृति के ऊपर उतना बोझ ना पड़े, सतत विकास की दिशा में अगर हम सोचना स्टार्ट करें तो हमें इन सारी चीजों को लेकर के काफी ज्यादा समस्याएं नहीं होंगी, बहुत सारी चीजें ठीक होती चली जाएंगी। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, अगले